अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा फिर आप लोगों को अपने चैनल में खुश आमदीद कह रहा हूँ मैं। और आज जो है आप लोगों को वीडियो मैं दिखाऊंगा, उस पर मेरा रिएक्शन होगा। ये वीडियो है गेम का वीडियो, मुझे गेम्स का बहुत शौक़ है और ख़ास तौर पर पीसी गेमिंग, PS4 इन सब पर। तो ये जो है अभी गेम लॉन्च होनी है PS4 और PS5 पे, तो इसका जो नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी वैनगार्ड। तो ये ट्रेलर है इस गेम का, तो इस पे मैं रिव्यू दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। तो ये नवंबर में रिलीज़ हो रही है, नवंबर 2021 में। तो इसको चलें और चलकर देखते हैं कि क्या स्टोरी है, क्या गेम प्ले है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलें और मैं अब इसको प्ले करता हूँ लैपटॉप पर। तो लैपटॉप पर इसको प्ले करूँगा मैं। तो जी अब इसका देखते हैं क्या है रिव्यू। ओह वो कॉल ऑफ ड्यूटी वैनगार्ड। ये जो है कोई मिशन इनका चल रहा है, ये अब देखेंगे कि स्टोरी क्या है। कॉल ऑफ ड्यूटी प्रेजेंट्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड लग रही है ये। तो ये कोई स्टोरी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। वो स्लेज हैमर गेम्स प्रोडक्शन। वो नॉर्थ अफ्रीका बैटलफील्ड टैंक्स ईस्टर्न फ्रंट। गेम प्ले और स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है मुझे तो। वाह वर्ल्ड वॉर जो है ये अब पैसिफिक, यहाँ से वॉरशिप्स और ग्राफिक्स देखें कितने ज़बरदस्त हैं इसके, रियल टाइम ग्राफिक्स हैं। और PS5 के तो आपको पता होगा क्या ग्राफिक्स क्वालिटी होगी उसकी। तो ये जो है PS4 और PS5 दोनों पर लॉन्च होगी नवंबर में। वो अब तो गेमिंग टेक्नोलॉजी जो है वो रियल टाइम पे आ गई है, ऑल टू ऑल रियल सिनेमैटिक्स। इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, मुझे पसंद आया ये इसका ट्रेलर। तो अब जब ये लॉन्च होगी तो देखेंगे गेम प्ले कैसा है इसका। तो ये भी बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड कायम करने वाली है। तो ये वही है वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है, वर्ल्ड वॉर 2 के से रिलेटेड होगी। तो जब ये लॉन्च होगी तब देखेंगे कि क्या इसका है रिजल्ट। कॉल ऑफ ड्यूटी वैनगार्ड नवंबर 5 को ये रिलीज होगी 2021। Pre order now and get early access to the open beta. Digital pre-orders get instant access to the Night Raid Mastercraft and Black Ops Cold War and Warzone. तो ये था इसका ट्रेलर और मुझे तो बहुत पसंद आया। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ज़रूर पसंद आएगा इसका जो है ट्रेलर। और ये था मेरा रिएक्शन इस गेम के लिए। तो मुझे तो बहुत पसंद आया है और अब जब ये लॉन्च होगी तो देखेंगे कि बॉक्स ऑफिस पे ये क्या रिकॉर्ड बनाएगी। तो ख़ास तौर पर PC जो है वर्जन में अब पता नहीं कब लॉन्च होगी ये, लेकिन सबसे पहले ये PS4 और PS5 पे लॉन्च हो रही है। तो दूसरे कंसोल्स पे भी हो जाएगी जो दूसरे कंसोल्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा।
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना और सबका बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।